जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरवेल पुलिस चौकी में आगामी त्योहार के मद्देनजर बुधवार शाम 7 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस द्वारा धार्मिक आयोजन त्योहार शांति सद्भाव से मनाए जाने की अपील की है। प्रधान आरक्षक भोला प्रसाद द्विवेदी ने उपस्थित बैठक में बताया कि आपके यहाँ त्योहार में सुरक्षा की दृष्टि से शांति सद्भावना की व्यवस्था कायम रहे और त्योहार मनाया जाए, ऐसा क्या काम पुलिस को करना चाहिए। तभी बैठक सिरवेल पंचायत प्रधान विकास सेनानी ने अपनी बात बैठक में साझा की। वहीं पंडू जैन ने बताया कि पुलिस के अलावा हमारा भी दायित्व बनता है कि धार्मिक आयोजन शांति सद्भाव और भाईचारे की भावना से मनाए जाए। शांति समिति की बैठक में कैलाश मालविया, जमालुद्दीन साकले, उप सरपंच भागा चौहान, भोला प्रसाद यादव, प्रेम सिंह सिसोदिया, धर्मेंद्र किराड़े, रामचंद्र मंडलोई, ASI महेंद्र सिसोदिया, आरक्षक राकेश टुडवे, आशाराम आर्य सहित ग्राम के समाज जन एवं वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रतिदिन नवरात्रि चलेगी 12 बजे तक, उसका समय रखना। अगर एक दो दिन घर पे पार्टी वाले आते हैं तो दिन में जो जिनके भी नवरात्रि चल रही है वो सूचना कर दे अपने को या आपको, तो उस दिन के लिए मतलब कुछ ना कुछ वाद विवाद होते हैं। तो अपने सिरवेल की क्या परंपरा है, जैसे नवरात्र चल रहे हैं, 9-10 दिन का कार्यक्रम है। अभी अपन ने बीच में क्या किया था कि 10 बजे कोई बाहर नहीं निकलेगा, अब स्वाभाविक है कि लोगों लेट नाइट रहेंगे, उठे रहेंगे, तो अपने क्या किस तरीके से बनती है नवरात्र। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।